Today we will again study about the physical features of India. Here we will study about the how these features are formed. Physical features refers to भौतिक स्वरूप, मतलब कि पूरा का पूरा जो स्थल निर्माण है, पूरा का पूरा जो निर्माण है धरती का, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे माउंटेन्स, हिल्स, डेजर्ट्स, रिवर्स। उनमें से हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में सिर्फ स्थल भाग, इसमें रिवर्स नहीं आएंगी, इसमें ओशियंस नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ आएंगे कि स्थल का निर्माण कैसे होता है, धरातल का निर्माण कैसे होता है। इसमें भी बेसिकली अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे प्लेन्स। प्लेन्स में क्या रहेगा कि इंडिया का जो प्लेन्स है, जो लगभग 2400 किलोमीटर है लंबाई में और 240 से 320 किलोमीटर है चौड़ाई में, इसमें इंडस रिवर, इस प्लेन्स को, इंडियन प्लेन्स को हम जानते हैं, वी नो दिस प्लेन्स बाय द नेम ऑफ इंडियन प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन। इंडियन प्लेन्स बेसिकली हम लेते हैं ये पोर्शन जो पंजाब का इलाका है, जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन लाइज इन द पाकिस्तान, करंट पाकिस्तान, इसमें इंडस रिवर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। गंगेटिक प्लेन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा, इसमें यमुना नदी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया की, उसमें वो शामिल है। और इस तरीके से ये सारा क्षेत्र गंगेटिक प्लेन्स में आता है, इसका गंगा नदी का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे ज़्यादा। और नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो जो इसका स्ट्रेच है साउथ ईस्ट तक, आसाम तक, वो सारा ब्रह्मपुत्र रिवर के अंडर में आता है। और इस तरीके से हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो कि 2400 किलोमीटर लंबा और इस तरफ ज़्यादा है, लगभग 320 किलोमीटर है, और इस तरफ इसकी चौड़ाई आसाम की तरफ आगे कम हो जाती है, लगभग 240 किलोमीटर। ये रहा नॉर्थ प्लेन्स। इस प्लेन्स की खासियत क्या है, व्हाई दिस प्लेन्स आर फेमस फॉर, बिकॉज ऑफ इट्स सोयल, इट्स फॉर्मेशन, फर्टाइल सोयल है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एलुवियल सोयल से हुआ है। एलुवियल सोयल मतलब जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। अगर जलोढ़ की मीनिंग को हम समझें, जलोढ़ का मतलब क्या हुआ, वह मृदा जिसने सदियों से, बरसों से जल को ओढ़ रखा है, अपने ऊपर जल को ओढ़ा हुआ है, इसका मतलब जिस पे जल का प्रभाव रहा है, जिस वजह से यह मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जब नदियां सालों से बह रही हैं तो ये अपने साथ हिमालय से आती हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ और भी मटेरियल जो भी वहाँ पे पाए जाते हैं, डेड पार्टिकल्स, ह्यूमस, पत्ते, ऑर्गन्स, रिमेन्स, ये सारा कुछ इसमें लुढ़क लुढ़क कर, घिस घिस कर, पीस पीस कर बारीक हो जाता है और सिल्ट के रूप में, गाद के रूप में इन प्लेन्स में जमा हुआ है, जो काफ़ी फर्टाइल है। और इस फर्टिलिटी की वजह से, फर्टाइल लैंड की वजह से, ये जो इलाका है बहुत पॉपुलियस है, बहुत यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। फर्टाइल सोयल होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होने की वजह से, वाटर अवेलेबिलिटी होने की वजह से इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो जाती है, प्लस फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से इरिगेशन अच्छा होता है और एग्रीकल्चर अच्छा होता है। और इस तरीके से आप देखते हैं कि वर्ल्ड में इंडियन प्लेन्स में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन का प्रेशर है, वो कितना ज़्यादा है। दीज आर द रीजन्स विच हैज बीन इन द रीजन फॉर दीज थिंग्स। सोयल फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने देखा एलुवियल सोयल जो नदियों पर ऐसे होता है। सेकंड, इंडिया में जो सोयल फॉर्मेशन के मेजर रीजन्स हैं, प्लेट्यूज हैं जिनका निर्माण हुआ है वोल्केनो से। और यहाँ पे जैसे सपोज ये वोल्केनो है, यहाँ से इरप्शन हुआ है, ये क्रेटर है, तो यहाँ इसके आसपास की जो भी मृदा होगी वो ब्लैक होगी,
ब्लैक सोयल बेवरेज के लिए, मसालों के लिए, काजू के लिए और तंबाकू के लिए, कपास के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत फायदेमंद है और यहाँ पे आसानी ये इनकी ग्रो को सपोर्ट करता है। जो भी सोयल का निर्माण होता है उसको हम पेरेंट रॉक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये ब्लैक सोयल हुआ है निर्माण, तो इसके जो रॉक्स होगा उसको हम बोलेंगे पेरेंट रॉक, जिससे कि इस सोयल का निर्माण हुआ है। इसके अलावा सोयल निर्माण में जो फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं उसको इस प्रकार से देखेंगे। वेदरिंग, सपोज ये माउंटेन है, दिस इज माउंटेन। व्हेन सन इज ऑन इट्स राइज, ऑन इट्स पीक, सपोज सन यहाँ है, इस टाइम समर डेज है, यहाँ पे सन बीम्स खूब पड़ रही है, स्कॉर्चिंग हीट है, तो ये क्या करेगा, इसको बहुत हीट कर देगा, इन पूरे इलाके को हीट कर देगा। और जब ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे ये माउंटेन्स, तो नेचुरल फिनोमेना है, चेंज आता है हमारे लोअर एटमोसफेयर में, जिसको हम जानते हैं ट्रोपोस्फेयर। और इस ट्रोपोस्फेयर के में जो चेंज आता है, बादल बनते हैं गर्मी पड़ने के कारण, और फिर बारिश होती है। और इनकी जो हीट होती है उस टाइम मैक्सिमम होती है दोपहर के टाइम पे, या 2-3 बजे के, 4 बजे के आसपास, और पता लगता है कि उसी टाइम बारिश शुरू हो जाती है। उस बारिश की वजह से आपने देखा होगा कि जब तवा गर्म होता है उस टाइम अगर उस पर बूंदे पड़े तो कैसे आवाज आती है, छन। उसी प्रकार से जब इन गर्म पत्थरों पे बारिश पड़ती है तो इनके अंदर क्रैक्स बन जाते हैं, इनके अंदर इस तरीके से, जैसे मान लीजिए पत्थर है तो ये क्रैक्स हो जाएंगे और इसमें ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक और दो, एक ये पत्थर था अब इसमें क्रैक्स बन गए इस तरीके से। और ये जो क्रैक्स है ये सालों से बनते आ रहे हैं, और इसमें बहुत सारे जो वहाँ के क्रिएचर्स हैं उनके लिए रहने का स्थान बनते हैं, उनके क्रियाकलाप चढ़ते हैं, उतरते हैं, रहते हैं, अपने क्रिया करते हैं। इस वजह से यहाँ पर टूट फूट होने लगती है, इन क्रैक्स में प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनकी जड़ें उसमें फैलती हैं, मोटी होती हैं और उसको चौड़ा करती हैं। जब सर्दी पड़ती है तो यहाँ पे जो ये पानी था, अगर ज़्यादा मात्रा में पानी वहाँ जमा हुआ है तो क्या होगा, सर्दियों में वो बर्फ़ बन जाएगा। आप जानते हैं जब पानी बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, वो क्या करता है, इस क्रैक्स को और वाइडन करता है और चौड़ा करता है, और इस प्रकार से यहाँ पे टूट फूट होता है। और ये जो वेदर का इफेक्ट है इसको वेदरिंग बोलते हैं। ये सारा वेदर का इफेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट है, सन रेज का इफेक्ट है, और ये जो वेदरिंग है ये रीजन बनता है इरोजन का। अब यहाँ पे जो वेदरिंग हो रही है इस वजह से यहाँ पे टूट फूट जो हो रहा है वो क्या होगा, वो सारा का सारा मटेरियल नीचे आएगा, जमा होगा और एक नया लैंडफॉर्म तैयार हो रहा है। और ये आपको 1-2 साल में या 10-20-50-100 साल में नजर नहीं आएगा, इसमें हजारों साल लगते हैं और तब जाके, लाखों साल लगते हैं तब जाके आपको एक नया फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसको हम, ये वेदरिंग हो गया, और ये जो जमा हो रहा है यहाँ पे, जो डिपोजिशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं, ये इरोजन हो रहा है, और इरोजन के बाद जो ये जमा होता है इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो वेदरिंग का इफेक्ट ये देखा आपने, वहां से इसका शिफ्ट होके ट्रेवल करके जाना, ये हो गया इरोजन, और कहीं पे जाके ये डिपॉजिट हो रहा है, जो आपको 100 साल बाद, 1000 साल बाद प्रोसेस जो चलता रहता है, ये हजारों साल चलता है और हमेशा ही चलता रहता है, वो आपको डिपॉजिशन के रूप में, एक नए लैंडफॉर्म के रूप में नजर आएगा, नए लैंडफॉर्म के रूप में। और इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो ये रिवर आती है, एक बड़ी सी रिवर ये आ रही है, इसमें जो पानी आता है ये वेरियस चैनल्स के द्वारा आता है। ये जो चैनल्स आ रही हैं छोटी छोटी, इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, इन चैनल्स को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, और ये इसको बढ़ा करते हैं। आपने इंडिया में बात करें तो यमुना नदी लॉन्गेस्ट, और यमुना रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लगभग
1300 या 1700 किलोमीटर है। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इस नदी को सिल्ट प्रदान करती है, गाद प्रदान करती है और फर्टाइल सोयल निर्माण करने में सहायता करती है। इसके अलावा एक सेकंड चीज देखेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी जो होती है, जब नदी माउंटेन से उतरकर मैदानी इलाकों में आती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो कई भागों में डिवाइड हो जाती है अपने सिल्ट जमा करने के कारण। और इस तरीके से जो नदी कई भागों में निकल पड़ती है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन सारे चैनल्स को, डिफरेंट चैनल्स, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज या फिर वितरिकाएं। और इन डिस्ट्रीब्यूटरीज की वजह से ही ब्रह्मपुत्र नदी पर एक माजुली नाम का आइलैंड है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है। जैसे मान लीजिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और ये दो भागों में निकल गई, तो यहाँ पे माजुली है। नाउ इट इज अ डिस्ट्रिक्ट, ये अपने आप में इतना बड़ा है कि एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और इसी तरीके से दाओब्स, द्वाब्स, द्वाब्स आप जानते हैं, जब कई नदियां एक साथ एक क्षेत्र में बहती हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं द्वाब्स। दून्स भी बोलते हैं, जैसे आपने देहरादून सुना है, इसको हिंदी में दून्स बोलते हैं। और द्वाब की बात करें तो द्वाब मतलब दो नदियों के बीच की। और हाँ, आप देखिए कि हमारा जो पंजाब है वो पांच नदियों के बीच का है, तो इसलिए उसको पंजाब बोलते हैं। दिस इज द दोआब, दोआब एंड दैट इज पंजाब। ये पांच नदियों का है, इसलिए पंजाब बोला जाता है। सो दिस इज द थिंग विच आई वांट टू कन्वे टू यू गाइस। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। आई विल बी बैक सून। थैंक्स।